Hi dear student, today our topic is modern periodic table. Periodic table is a list of all known elements. In periodic table, elements are organized on the basis of atomic number and chemical property. In simple word, के periodic table एक ऐसा sketch है element का जिसमें उनको organize किया गया है दो चीज़ों को सामने रख के, एक atomic number और दूसरा chemical property. इसी तरह periodic table के अंदर जो element है उनकी arrangement जो की गई है वो group और period के अंदर की गई है. अब वन बाय वन हम group और period को discuss करते हैं. Group means a family. Group is a vertical column. In group, all elements have similar chemical property. In simple word, के group जो एक family है जिसके अंदर element को vertical column की शक्ल में organize किया गया है, किसकी base पे? उनकी chemical property की base पे. तो इसी तरह periodic table के अंदर जो total groups हैं वो total 18 है. अब हम ग्रुप को डिस्कस करते हैं. ग्रुप के अंदर जो नंबरिंग दी गई है वो रोमन इंटीजर और अल्फाबेट यूज किया गया. इंग्लिश ए कैपिटल लेटर. इसके अलावा जो वन ए है वो अल्कली मेटल कहलाते हैं और टू ए जो कहलाते हैं वो अल्कली अर्थ मेटल कहलाते हैं. थ्री ए में जो एलिमेंट आते हैं वो बोरोन है, एल्यूमिनियम है और गेलियम है, इंडियम वगैरह आ जाते हैं. फोर ए के अंदर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आ रहे हैं. फाइव ए के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह आ रहे हैं. सिक्स ए के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम आ रहे हैं. सेवन ए हैलोजन है. हैलोजन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है. आगे जाके हम इसको खूब पढ़ेंगे. एट ए के अंदर नॉन मेटल आ गया या नोबल गैसेज आ गई और ये जो जगह खाली है यहां पे आते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स. ये वो मेटल है जो एक सेपरेट जो है नंबरिंग के साथ इनको आइडेंटिफाई किया गया. मिसाल के तौर पे यहाँ पे अनलाइक जो ऊपर बयान किया गया है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए यूज किया गया, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो बी यूज किया गया. और ये शुरू होती है कॉपर से. इसके नीचे क्या है? सिल्वर है. इसके अलावा क्या है? गोल्ड है. इट मीन्स कि ये इंतहाई प्रीशियस एलिमेंट. यहाँ से इसकी नंबरिंग शुरू होगी. जिंक बी टू में आता है. इसी तरह बी थ्री जो है इसमें आ गया स्कैंडियम आ गया और यॉट्रियम आ गया. B4 में आ गया टाइटेनियम. B5 के अंदर वनेडियम. B6 के अंदर क्रोमियम और 7 के अंदर मैगनीज आ गया है. इसके अलावा जो तीन ग्रुप नजर आ रहे हैं जिसमें आयरन है, कोबाल्ट और निकल है, इसको जो नंबरिंग दी गई है वो दी गई है 8 की. लेकिन इसके अंदर जो B का वर्ड है वो यूज नहीं किया गया. इसी तरह पीरियड. पीरियड इज अ हॉरिजॉन्टल रो इन अ पीरियोडिक टेबल और टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो टोटल 7 है. अब जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 2. इसमें हाइड्रोजन और हीलियम आ गए, ये दोनों गैसेस हैं. पीरियड नंबर 2 के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 8 और 3 के अंदर भी 8. पीरियड नंबर 4 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हो गए 18, मतलब 18, 8 ऊपर वाले और जो 10 है वो आ गया इनर ट्रांजिशन मेटल आ गए. इसी तरह पीरियड नंबर 5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 18. पीरियड नंबर 6 और 7 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 32 के अराउंड. पीरियड नंबर 6 के अंदर जहां पे एटॉमिक नंबर शुरू होता है 57 से लेके 71 तक, वहां पे एक हम सीरीज यूज करते हैं एलिमेंट की जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथिनाइड्स. और लेंथिनाइट जो है ना ये इस पॉकेट के अंदर आता है और नीचे इसकी एक लेयरिंग बना दी गई है मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर और ये इनकी जो बेस्ट पोजीशनिंग है वहाँ पे आके इनको एडजस्ट किया गया है. और पीरियोडिक टेबल के बारे में एक बात कहना ज़रूरी है कि ये गॉड गिवन जो है ना ये पीरियोडिक टेबल ही है, इंसान का बनाया हुआ है. और इसमें इंसान ने देखा है कि जहाँ पे इसकी पोजीशन बनती है इस एलिमेंट के, इस हिसाब से उसको अरेंज किया हुआ है. नेक्स्ट आ जाओ पीरियड नंबर 7 के अंदर है जहाँ पे एटॉमिक नंबर शुरू हो रहा है 89 से लेके 103 तक. वहाँ पे एक और सीरीज यूज हो रही है जिसका नाम हमने एक्टिनाइड रखा है, एक्टिनाइड सीरीज रखा है. अब एक्टिनाइड और लेंथिनाइड को फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आमतौर पे एलिमेंट को
तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल जो है इसमें आ गया अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल और अल्यूमिनियम वगैरह। इसके अलावा इनर ट्रांजिशन मेटल भी आ गए। मेटलॉइड के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे जो कलर में यूज हो रहे हैं इनके साथ, वो सारे के सारे मेटलॉइड है। इसके अलावा नॉन मेटल में जो आ जाते हैं ये नोबल गैसेस आ जाती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन टू से कि जितनी भी बिजली की तारें हैं और जो खाने के बर्तन हैं वो सारे के सारे मेटल के बने होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहाव और हीट का फ्लो बड़ी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो करेक्टरिस्टिक में आ जाता है वो है मेलिएबल, कि जितने भी मेटल है कैन बी हैम्बर्ड इनटू शीट, कि इनकी शीट्स बनाई जा सकती है और इन शीट्स और चादरों को मुख्तलिफ कामों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल के, डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कि इनकी तारें बन सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक मेटल की आ जाती है कि वो लस्टरस है, कि जैसे गोल्ड है इनकी अपनी एक चमक है और जिसके बना पे इनका इनकी अपनी एक कीमत बनती है। जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमेशा जो है ना वो लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इन पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये एक ऑर्गेनिकल सूरत आला है। तो सो एक एक है हकीकत कि इनके अंदर जो मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक वो मौजूद नहीं होती। इसमें आ गया सल्फर, आ गया नाइट्रोजन, आ गई सिलेनियम, आ गया और ब्रोमीन आ गई। और अनलाइक मेटल दे गेन इलेक्ट्रॉन, मेटल वो लूज करते हैं और यहाँ पे जो है ना नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इनके पे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड, मेटलॉइड कैन आल्सो बी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या चीजें हैं, जो हमारे भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, इनके अंदर जितना भी सर्किट के अंदर चीजें यूज हुई हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स देन कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर सर्टेन कंडीशन, के सेमीकंडक्टर ऐसे हैं जिन जो एक खास एनवायरनमेंट के अंदर जाके अपनी जो है ना जो बिजली का बहाव करते हैं, और ये एलिमेंट के निस्बत ये हीट होने पे बिजली का जो फ्लो है वो बेहतर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।